गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। चलिए आज क्लास 11 के बच्चों को जरा इंट्रोड्यूस करा दिया जाए फिजिकल वर्ल्ड से। ये आपका पहला चैप्टर है बच्चों, क्लास 11 का पहला टॉपिक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इससे पहले हम आगे बढ़े, हम बात कर सकते हैं कि फिजिक्स क्या है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था तो फिजिक्स का सबसे जो बेसिक डेफिनेशन था, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग इसी चीज की बात करेंगे। और फिजिकल वर्ल्ड की जो चैप्टर है आपका, ये बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कराता है कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th में कौन सा जिंदगी क्या होता है। जैसे आप लोगों ने फोर्सेस की बात की होगी क्लास 9, व्हाट इज अ फोर्स? तो फोर्स इज मेनली अ टेंडेंसी, आपको पता है। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। पर बच्चों बात यहां पे फोर्सेस की आती है तो इसका कैटेगराइजेशन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे यूनिट का कैटेगराइजेशन अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे वो बेसिक और डिराइव्ड होती है। वैसे ही फोर्स का भी दो पार्ट में हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया है, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस एंड डायरेक्ट फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस में बच्चों सबसे पहली बात जो आती है वो आती है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सब जानते हो, क्लास 9 में आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? तो आपको पता है ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. और ये inverse square law क्यों follow करते हैं? ये आप लोगों को पता है, ठीक है? हमारा ये जो universe है, ये three dimensional space की बात होती है यहाँ पे। one by r hold नहीं कर सकता, one by r square की चीजें defined है। खैर वो बात की बात है, इसको हम लोग detail में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग gravitation chapter की बात कर रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब बस इतना है बच्चों कि पहला जो हमारा fundamental force है, that is gravitational force। दूसरे फोर्स की बात करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंप्राइजिंगली टेक टू टर्म्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? देखो बच्चों, एक मास पे फोर्स कौन लगाता है? दूसरा मास। एक चार्ज पे फोर्स कौन लगाता है? दूसरा चार्ज। सिंपली एक मैग्नेट पे फोर्स कौन लगाएगा? दूसरा मैग्नेट। तो देखो बच्चों, एक चार्ज जब दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात की गई थी। पर जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो हमने देखा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा, तो चार्जेस भी उनकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते थे। सिमिलरली मैग्नेट भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करता है और एक मैग्नेट भी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस थे। इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं था पहले से, ये एकदम नई बात थी जो हम लोगों के सामने है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ फंडामेंटल और बेसिक। तीसरे फोर्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप ये आपको विजिबल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आप जानते ही हो। न्यूक्लियस के अंदर फोर्स जो लगता है हमारा, जैसे मान लीजिए आपका एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग स्टेट में है, तो वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स लग रहा होगा। तो जहां ज्यादा फोर्स लग रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है बच्चों? सिमिलरली एक चौथा फोर्स है हमारा, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, यहां पे बीटा पार्टिकल के एमिशन वगैरह की बात होती है। तो ये दोनों फोर्सेस हम लोग
आगे चल करके, ठीक है, मॉडल फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11th में आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्लास 12th में पढ़ना है। ये दोनों चीजें क्लास 11th में मिलेंगी, क्लास 12th में भी मिलेंगी कुछ जगहों पे। ये चार बेसिक फोर्सेस हैं हमारे जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे फोर्सेस हमारे डिराइव फोर्सेस हैं। इनका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन बाकी सारे जो फोर्सेस है बच्चों वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प जरूर करेंगे। यही बेसिक फोर्सेस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं 11th और 12th के फिजिक्स में। थैंक यू।